आज हम इस तरह का वॉल हैंगिंग बनाएंगे आ, इसको बनाने के लिए मैंने बच्चों का पुराना वाइट बोर्ड यूज़ कर लिया है जो मेरे पास पड़ा हुआ था जैसा कि आपको मालूम होगा आप मुझे हमेशा फॉलो करते होंगे तो मैं किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ तो ये देखिए मेरे पास पुराना बोर्ड था तो मैंने उसे यूज़ कर लिया है अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड ना हो तो आप थर्मोकोल की शीट या किसी भी कार्डबोर्ड को दो तीन लेयर बना स्टिक कर कर और फ्रेम बनाकर यूज़ कर सकते हो तो ये देखिए मैंने ये बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर स्टिक करने के लिए मास्किंग टेप ले ली है ये टेप आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर या तो पेंट वाले की शॉप पर भी आपको मिल जाएगी तो ये तीस से चालीस रुपए में मिल जाती है तो इस पर मैंने ये टेक्सचर बनाने के लिए दाल और चावल और राई इन सब चीज़ों की यूज़ किया है आप चाहो तो किसी एक भी चीज़ का यूज़ कर, कर बना सकते हो और अगर चाहो तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हो तो देखिए मैंने दो तरह की दाल और देखिए मूंग की और मसूर की और चावल और राई इन चार चीज़ों का इस्तेमाल कर कर इस पर टेक्सचर बनाऊंगी तो देखिए अब हमें क्या करना है पहले मास्किंग टेप से अच्छी तरह से स्टिक कर लेना देखिए इस तरह से प्रेस कर कर और स्टिक करना है ताकि अगर हम इस पर जब स्टिक करेंगे तो ग्लू इसके अंदर नहीं चला जाए तो अच्छे से इसको इस तरह से प्रेस कर कर और इस पर आप अपने हिसाब से जो पैटर्न चाहो बना सकते हो तो इस तरह से मैं भी अपने हिसाब से पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी और इसमें आप अगर चाहो तो एक ही चीज़ को जैसे दाल चावल या राई को लेकर एक ही तरह का सेम पूरे में टेक्सचर बना सकते हो और अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो बस ये ध्यान रखिए कि जैसे लेयर ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ न ले जैसे चना ले लेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये लेयर थोड़ा इक्वल रहे जैसे चावल भी छोटा है राय और दाल वो सब थोड़ा सेम साइज़ के हैं तो इसी तरह का लीजिए और ये देखिए मैं अब क्या करूँगी इस पर फेविकोल या वाइट ग्लू ले लूँगी तो इसको मैंने यहाँ पर वाइट ग्लू लेकर अच्छा सा थीक लेयर लगा दिया है और फिर मैं इस पर चावल लगा दूँगी स्टिक कर दूँगी तो इस तरह से बस हमें इस पर स्प्रेड कर देना है और हल्का हल्का ऊपर से हाथों से टैप कर देना है ताकि वो स्टिक हो जाए और जो ऊपर एक्स्ट्रा चावल है उसको हम झाड़ कर निकाल लेंगे देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है और इसी को हम फिर आगे और भी या जो इस्तेमाल होगा वो करेंगे और ये देखिए बॉर्डर को साफ़ कर लीजिए ताकि इस पर हमारा चावल स्टिक ना हो जाए तो बस इस तरह से हमें पूरा बना बनाते जाना है तो जब भी मैं डी करती हूँ तो अपने बच्चों की हेल्प ज़रूर ले लेती हूँ उससे उनमें भी क्रिएटिविटी आती है थोड़ी और हमारा डी भी जल्दी हो जाता है और आप अगर डी नहीं करते हो तो प्लीज़ आप एक बना के देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा आप अगर मार्केट से कोई चीज़ लाकर अपने घर को सजाते हो उससे कहीं ज़्यादा खुशी अगर आप खुद से बनाकर सजाते हो तो उसमें मिलती है और मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल के डी रखे हैं उनमें से भी आप ट्राई कर सकते हो तो ये देखिए अब मैंने ये राई को भी लगा लिया है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि देखिए जैसे कोने सब हैं और बॉर्डर उस पर अच्छे से स्टिक हो जाए ताकि हमारा जब हम पेंट करेंगे तो वो थोड़ा जो टेक्सचर है वो लाइन थोड़ी सीधी और हाईलाइट होकर ऊपर आ जाए तो ये देखिए मैं इसी तरह से पूरे में स्टिक कर लूँगी और सारे को अच्छी तरह से देखिए इस तरह से टैप कर कर हमें स्टिक कर लेना है और स्टिक करने के बाद तुरंत हमें टेप नहीं निकालनी है जैसे जब आपका पूरा स्टिक हो जाए तो दस मिनट बाद जैसे थोड़ा सा पूरी तरह से भी स्टिक नहीं होने देना है और थोड़ा सा जैसे थोड़ी टाइम के बाद दस मिनट बाद आप धीरे धीरे करके एक एक टेप निकाल दीजिए और देखिए इस वाले को बनाकर मुझे डेढ़ से दो साल हो गए हैं तो इसका देखिए अभी कुछ इस तरह का रिजल्ट है अगर आप इस पर जैसे आप पूरा डी बनाने के बाद अगर वार्निश यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट और बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है मैंने वार्निश यूज़ नहीं किया था इसीलिए शायद इस तरह का देखिए होल भी हो गया था और कोई कोई पूरा ख़राब भी हो गया था तो आप पूरा डी हो जाने के बाद एक बार वार्निश का एक लेयर लगा लीजिए तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा आप छः महीना सात महीना बाद देखते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए आपका जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा मैं आपको बता दूंगी और ये देखिए अब मैं धीरे धीरे करके सारे टेप को निकाल लूँगी ये मेरा चेस्ट ठीक होने के दस मिनट बाद मैंने निकाल लिया है और इस तरह से पूरा निकाल कर और जो एक्स्ट्रा हमारा जो भी दाल चावल देखिए जो है उसको हम झाड़ लेंगे जो देखिए इस तरह से अब मैं इस पर इसको अच्छी तरह से ड्राई होने रख दूँगी और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर ब्लैक ऑयल पेंट ले लिया है आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो मेरे पास हमेशा ऑयल पेंट रहता है आधा लीटर का डब्बा क्योंकि मैं हमेशा डी करती रहती हूँ तो ये मैंने देखे इसको पेंट करने टाइम पर आप देखिए ये बात का ध्यान रखें कि इसको टैप करके हमें पेंट करना है ताकि अंदर तक पूरा अच्छे से कलर हो जाए तो मैंने देखी अपने बच्चों की हेल्प लेकर पूरा पेंट कर लिया है अच्छी तरह से इसको थोड़ा टाइम लगेगा जैसे टैप कर करते अच्छे से हमें एकदम पूरा कवर हो जाना चाहिए देखिए इस तरह से और इस तरह से कवर कर कर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत बनकर तैयार होता है तो देखिए अब पूरा बॉर्डर सब हम पेंट कर लेंगे अच्छे से और पेंट करने के बाद मैं इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस पर जो हमने टेक्स्चर बनाए हैं तो जो अभी दिख नहीं रहे दिख नहीं रहा बराबर तो इसको हाईलाइट करने के लिए देखिए मैंने मेटेलिक पेंट ले लिए हैं ये आपको पच्चीस रुपये में किसी भी स्टेशनरी पर आराम से मिल जाते हैं तो आप चाहो तो किसी एक कलर का भी इस्तेमाल कर कर पूरा हाईलाइट कर सकते हो या तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको दो यूज़ करना हो तीन या तो कितने भी यूज़ करने हो आप कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर मेरे पास जितने भी मेटलिक पेंट हैं सारे ले लिए हैं और उसको हमें बस इस तरह से उंगली पर थोड़ा थोड़ा सा लगाना है ज़्यादा नहीं लगाना है हल्का हल्का लगाकर और इस तरह से देखिए बस इस पर घुमाते जाना है बहुत ही आसान है आप ये स्टेप ब्रश से भी कर सकते हो या फिर आपके पास स्पंज हो तो उससे भी कर सकते हो लेकिन ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा कलर हमें नहीं लेना है बस थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरह से पूरे में इस पर फैला देना है इससे देखिए देखिए अभी कलर हमारा लगाते ही कितने अच्छे से हमारा टेक्स्चर उभर कर आ गया है और बिल्कुल ये देखिए हमारा ये जो हिस्सा है और एकदम हाईलाइट हो गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है तो इसी तरह से देखिए मैं अलग अलग कलर या पिंक कलर का मैंने ले लिया है तो सारे कलर को लेकर मैं इसी तरह से इस पर टेक्सचर को हाईलाइट कर दूँगी और इससे बिल्कुल हमारा ये वॉल हैंगिंग बहुत ही ख़ूबसूरती से ऊपर का दिखे टेक्सचर सारे कितने ख़ूबसूरत लग रहे हैं और दूर से दूर से जब हम इसको देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने जो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो मोती यूज़ करते हैं और टिक्की उस तरह का बिल्कुल लुक देता है कि जैसे हमने उसी को रेडीमेड उसको स्टिक कर दिया है तो बहुत ही खूबसूरत बनने के बाद तैयार हो गया है और इस तरह से देखिए बस आसानी से हमें उंगली पर लगा कर कर देना है बहुत ही आसानी से हो जाएगा आ, तो आप भी इस तरह का ट्राई करिए और देखिए ये मेरा बन चुका है अब इसकी देखिए बॉर्डर को थोड़ा अच्छे से जैसे अच्छा उबर कर आ जाए उसके लिए मैंने एक बार और एक लेयर कर दिया है ताकि जो थोड़ा बहुत हमारा पेंट लगा है वो भी हाइड हो जाए तो देखिए इस तरह से मैं एक बार और कर लूँगी और करने के बाद ड्राई कर कर मैं आपको हैंग कर कर इसको दिखाती हूँ तो देखिए जब हमारी बॉर्डर पूरी अच्छी तरह से ब्लैक हो जाएगी तो ये और भी अच्छे से उभर कर आ जाएंगे और देखिए ये मेरा पूरा ड्राई हो चुका है अब मैं इसको आपको अपने वॉल पर हैंग करके कर दिखाती हूँ तो अभी अभी मेरे घर में पेंट हुआ है दो तीन दिन पहले तो अभी मैंने ये वाली वॉल को देखिए इस तरह से इस पर लगाकर डेकोर किया है तो अभी मैं जैसे मैंने बालकनी का भी टूर डाला था तो मैंने सारी चीज़ें अपने डी से डेकोर किया था बालकनी को अब मेरा हॉल में जैसे पेंट हो गया है तो अब धीरे धीरे मैं जैसा जो जिस जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है उस डी आई वाई को बनाकर मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और अपने हॉल को डेकोर भी कर रही हूँ तो देखिए ये मेरा बनकर तैयार हो गया है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग